हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरजे न्यूज हिंदी में। अब मोदी सरकार की तरफ से शादीशुदा लोगों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के मुताबिक शादीशुदा लोगों को हर साल पेंशन के रूप में 72,000 रूपए दिए जाएंगे। चलो अब जान लेते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। मिली हुई जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने इस योजना को NPS ट्रेडर के नाम से शुरू किया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हर महीने 200 रुपए का निवेश करना होगा। इसके बाद आप पेंशन की राशि को प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको बैंक में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको बता दें कि बैंक में आपका बचत खाता या जनधन खाता होना जरूरी है। आप इस योजना में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 100 रुपए हर महीने निवेश करना होगा। इस योजना में आपको 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अब बात करें शादीशुदा लोगों की, तो दोनों ही इसका हिस्सा बन सकते हैं। 60 साल के बाद दोनों को संयुक्त तौर पर हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब हर साल 72,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ वो भी उठा सकते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।